सारी समा मंत्र, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु, केशव प्रभु। आपको लग रहा है छोटे से दिखते हैं, छोटे से नहीं है, इनकी उम्र वैसी 38 साल है पहली बार। और दूसरा कि प्रभु जी गुरु महाराज के बहुत लंबे समय तक सेवा किए हैं, और खास स्पेशली कोविड के समय, और जहाँ इमरजेंसी था महाराज रात में बोले प्रभु केशव मैं चाहता हूँ कि चिपीवाड़ा चले जाओ, ये उसी रात में आ गए। तो प्रभु जी यहाँ पर बहुत अच्छा मैनेज करें, जब से प्रभु जी आए बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, प्रीचिंग में भी बहुत सारा चैलेंजेस था वो उनका इम्प्रूवमेंट किए। ज़्यादातर हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ सक्सेस सेंटर रहता है, जहाँ पर नाम हो वहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ पर ट्रबल हो, टेंशन हो, एंग्जाइटी हो, आपको कोई इज्जत ही ना करे, कोई वेलकम नहीं करे, वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन प्रभु जी महाराज ने कहा आज चले जाओ, तो आज मतलब आँख बंद करके चले गए। महाराज कितना ट्रस्ट करते थे ये बताना चाहता हूँ, ये तो महाराज सबको ही बोलते हैं बात। तो प्रभु जी को बोले प्रभु जी के, और जब से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, और सबसे बेस्ट क्वालिटी ना कि हार्ट एकदम प्योर है, जो उनको फील होता है किसी के सामने, महाराज के सामने भी क्लियर बोलते हैं, महाराज मुझे फील हो रहा है, कपट बिल्कुल नहीं है। तो प्रभु जी का स्वभाव है, और प्रभु जी यहाँ रह रहे हैं तो हम उनके मुख से सुनेंगे श्री प्रभुपाद जी के विषय में। हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण करुणा सिंधु दत्तं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुश्रिते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष संवादि पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। एक बार इष्टभ कैलाश गुरु महाराज के रूम में श्री राधा पार्षदी टेम्पल में मैं गुरु महाराज के सेवा में था, सेवा कर रहा था। तो एक डिवोटी है जिनका नाम है धर्म नारायणपुरी, कितने लोग जानते हैं धर्म नारायणपुरी को? तो अभी सेवा कर रहे थे, नए नए आए थे सेवा करने के लिए गुरु महाराज के पास। तो गुरु महाराज ने पूछा कि किनके टच में हो, किनके काउंसलिंग में हो, और किनके साथ सेवा करते हो? तो तीन डिवोटी का नाम लिए उन्होंने, बोले कि मैं किसगे सरपियापुरी के है ना पास में रह के काउंसिलिंग लेता हूँ, अजन्ना किशोरी के सेंटर से हूँ, मोहन रूई के है ना गाइडेंस में हूँ। तो गुरु महाराज बोले कि तीनों के तीनों शुद्ध भक्त हैं 100%। मैं राधा वल्लभी के टेम्पल में प्रभुपाद जी के सामने तुलसी महाराज के सामने झूठ खड़े रहे, तो तीनों के तीनों शुद्ध भक्त ऐसा बोले। तो इसी तरह से काफ़ी गर्मी हो रही थी, गुरु महाराज पंखा एसी वगैरह कुछ यूज नहीं करते। एक बार मैंने गुरु महाराज से बोला कि गुरु महाराज आपके लिए पंखा चला दें, बोले कि नहीं ये सब गेस्ट के लिए है ना, गेस्ट आते हैं उन लोग के लिए, मेरे लिए नहीं है। एक ड्यूटी बोल रहे थे कि महाराज आपके लिए एसी चला दें, महाराज बोले कि तपस्या करो, आपको तपस्या करना चाहिए। फिर गुरु महाराज बोले कि पता है राधा दामोदर मंदिर में और इस्कॉन छिपवाड़ा टेम्पल में प्रभुपाद जी कितनी तपस्या करते थे,
एक पंखा था मिडिल में, आप लोग देख रहे हैं, एक पंखा था, वो भी टूटा हुआ पंखा, चलाने से खड़खड़ की आवाज आती थी। ये बटन है, उस समय कभी भी बटन मिलता है पुराना डिजाइन का, ये गेट बंद कर दीजिए। तो बोलते कि वो भी पंखा अगर चलाया जाता तो गर्मी के दिन गर्म हवा आती थी, खड़खड़ की आवाज आती थी। उसी समय का ये बनाया गया वेंटिलेशन जो थोड़ी सी हवा पास करे। तो कहाँ से, कोई ओपन एरिया भी नहीं है। तो अकेले प्रभुपाद जी वन मैन आर्मी इस रूम में बैठकर 6.5 साल थे यहाँ पर अमेरिका जाने से पहले। और पहले ऐसा फर्श भी नहीं था जिसमें बैठे ना, वो ईट ही था लेकिन ऊपर खुरदुरा था। प्रभुपाद जी चटाई बिछा कर यहाँ पर लेटते थे, 2-3 घंटा रात में सोते थे, उसके बाद कभी नहीं सोते थे, दिन में रात में दोनों मिलाकर 24 घंटा मिलाकर 2-3 घंटा सोते थे, ज़्यादा समय नहीं। वहीं गुरु महाराज बोले कि प्रभुपाद जी कितनी तपस्या करते थे और हम लोग फैसिलिटी लेंगे फैसिलिटी, अगर जो जितना ज़्यादा फैसिलिटी यूज करता है उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए, ज़्यादा फैसिलिटी लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो हम क्या होंगे, माया में गिर जाएंगे। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान कृष्ण की एनर्जी को बचाने का प्रयास करना चाहिए, मिस यूज नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से प्रभुपाद जी यहाँ पर रह रहे थे। तो शुरू शुरू में तो उन्होंने पास में ये गौड़ीय मठ है वहाँ पर रहना शुरू किए थे। वहाँ के इंचार्ज हैं, उनसे बोले प्रभुपाद जी कि देखो मैं आपके बैग, आपका जो मैगजीन है हारमोनिस्ट, उसको इंडिया टुडे के लेवल पर ले जाना चाहता हूँ। तो बोले कि इसके लिए मेरे को 2 जोड़ी धोती कुर्ते दे दो, कुछ साबुन सर्फ दे दो, क्योंकि मेरे VIP को मिलना होता है, अलग अलग क्या चाहिए, कैसे मिलूंगा, फटे पुराने कपड़े में थोड़े ना जा सकते हैं। तो उन्होंने तुरंत अपने गुरु महाराज को लेटर लिखा कलकत्ता में, उनके गुरु महाराज का नाम नहीं लूंगा। तो प्रभुपाद जी के गुरु भाई से जवाब आया कि भक्ति वेदांत, अगर तुम्हें मेरे शिष्यों के साथ नहीं बन रही है तो आप अपने लिए कहीं और व्यवस्था कर लो। प्रभुपाद जी को बड़ा धक्का लगा कि मैं इन्हीं लोगों का प्रचार करने के लिए, इन्हीं लोगों के सहयोग के लिए मैं यहाँ पर आया था, ये लोग ऐसी बात बोल रहे हैं। चिट्ठी में ये मेंशन नहीं है कि किस लिए मांग रहे हैं। प्रभुपाद जी को वहाँ से आना पड़ा। फिर प्रभुपाद जी धीरे धीरे इस रूम में, एक स्वतंत्रता सेनानी के ये रूम था पहले, मंदिर तो था ही, और वो अपने पत्नी और बच्चों के साथ इसमें रहा करते थे। तो उस बच्चे का नाम है श्रीकांत बेदी, उनके माता का नाम है सुभद्रा देवी, तो वो यहाँ पर रहते थे। दिन में पूरे दिन ही रहेंगे, रात में चले जाते थे। कभी कभार बच्चा जो श्रीकांत बेदी वो रुक जा करता था यहाँ पर। और ये जो ट्रस्ट था मंदिर, पहले जो कृष्ण पंडित शर्मा, आप लोगों ने नाम सुना होगा प्रभुपाद लीलामृत में, प्रभुपाद जी ने स्पेशल उनको एक नाम दिया था, हरिभक्तानुदास, हरिभक्तों के दासों के दास नाम दिया, क्योंकि हर तरीके से प्रभुपाद जी की सेवा करते थे। और इस जगह पर बहुत सारे साधु संत, अलग अलग जो बड़े बड़े संस्था खोल रखे हैं, यहाँ पर आया करते थे, रहा करते थे। तो प्रभुपाद जी जब यहाँ पर आए तो बात किए, तो प्रभुपाद जी को भी यहाँ रहने की व्यवस्था की। वहाँ पर शुरू में इस रूम की प्रभुपाद जी 2 रुपया किराया देते थे, कितना, 2 रुपया। और ये विंडो है पीछे, गेट लग दिखाई दे रहा है, अब तो कंस्ट्रक्शन कारण बंद करना पड़ा। प्रभुपाद जी नीचे इसी से अल्टर के पास जाते थे, अल्टर के पास एक गेट खुलता था, वहीं पर जाकर राधा वल्लभ जी की पूजा अर्चना सेवा करते थे। तो यहाँ पर गुरु महाराज द्वारा भी स्थापित गौरनिथाई का विग्रह है और प्रभुपाद जी द्वारा भी पूजा अर्चित विग्रह है राधा वल्लभ जी, जो 2.5 साल पुराना विग्रह है। और ये स्पेशल कसौटी के बने हैं, जो सुनार लोग चेक करते हैं सोने चांदी, उस कसौटी के बने हैं राधा वल्लभ जी सिर। तो अगर भगवान को सोने चांदी का ऑर्नमेंट पहना जाए तो उनके डेंटल बॉडी पर दाग आ जाएगा, इसलिए हम लोग नहीं पहनाते। और भगवान का आप लोगों ने दर्शन किया होगा, इस तरह से लगता है कि भगवान खड़ाऊ के साथ विध पादुका अल्टर में घुस गए हैं। जनरली इस्कॉन के मंदिर में राधा रानी आशीर्वाद की मुद्रा में होती हैं, लेकिन यहाँ पर कैसे मुद्रा है, दोनों हाथ माला पहनाने की मुद्रा में, यानी राधा वल्लभ मीन्स के पति, राधा रानी के पति, इस नाम से राधा वल्लभ जी फेमस है। तो ये भी विग्रह बहुत यूनिक विग्रह, बहुत ही पावरफुल विग्रह है। पहले इनकी जो आईज थी वो बांके बिहारी टेम्पल से मिलती थी आईज, पुजारी जब आरती करता था तो उसकी आंखें आंसू से भर जाती थी पानी से,
नजर नहीं मिला पाता था राधा वल्लभ की, आरती नहीं कर पाता था। तो बाद में एक राजकुमार पंडित हैं जो अब सेवा छोड़ दिए, हम लोग उनसे मंदिर ले लिया, पूजा करते थे 38 साल तक थे, तो कहीं चले गए थे, तो उन लोग भगवान के आयज को कुछ उन्होंने चेंज कर दिया बाहर के कारीगर ने, तब सब अट्रैक्शन चला गया। इस तरह से राधा वल्लभ की पूजा अर्चना सेवा करना प्रभुपाद जी की यही रूटीन हुआ करता था। सुबह सुबह प्रभुपाद जी जग जाते थे और कुछ अपना जप पूरा करने के बाद जैसे 7-8 बजता था वैसे ही यहाँ से कुछ खाना बनाने के लिए कुछ राशन पानी कुछ की व्यवस्था नहीं है, जो भी बैक टू गॉडेज मैगजीन छपाई करना फिर उसी में प्रिंटिंग प्रेस में लगा देना। तो पहले राधा प्रेस यमुना पार है वहाँ जाया करते थे, वहाँ पर फ्रंट की प्रॉब्लम आई, प्रभुपाद जी को बड़े फ्रंट चाहिए था। तो कृष्ण पंडित शर्मा बोले कि ओके प्रेस पास में है, दो ही फेमस उस समय प्रेस थे, तो ओके प्रेस यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, अब तो मुसलमानों ने उसमें ढाबा बना दिया, होटल खोल दिया है। तो यहाँ से प्रभुपाद जी पैदल जाया करते थे, भूखे जाया करते थे। प्रेस का जो मैनेजर है सुरेंद्र जैन नाम था, जैनी थे, लहसुन प्याज यूज नहीं करते थे, प्रभुपाद जी को खाना खिलाते थे, जानते थे कि प्रभुपाद जी भूखे हैं, मेरे पास रोज रोज आ जाते हैं खाना खाने के लिए, मैं ब्रेकफास्ट करा देता था। फिर भी प्रभुपाद जी बैक टू गॉडेज में छपाई होती थी, पैसे बाद में देते थे, फिर भी बार बार उनको फोर्स करते थे कि तुमने मेरा आज एक दिन खराब कर दिया, दो दिन खराब कर दिया मेरा, जल्दी छापो बैक टू गॉडेज मैगजीन छपने के लिए प्रभुपाद जी बार बार उनको फोर्स करते थे। तो वो बैक टू गॉडेज मैगजीन जो 6-7 पेज का हुआ करता था, यहाँ से कनॉट प्लेस जो LIC बिल्डिंग है, शॉप टू शॉप, डोर टू डोर, कॉफिटेरिया वगैरह इधर उधर जाकर वो क्या करते थे, बांटा करते थे, शराबी कबाबियों के बीच में बैठ कर बांटा करते थे, बड़े मुश्किल से लोग ले लिया करते थे। इधर लोहे का पुल है कि इधर भी खड़े होकर प्रभुपाद जी, दरियागंज आप लोग देखे हैं, यहाँ भी खड़े होकर बांटा करते थे प्रभुपाद जी। एक बार बांटते हुए आ रहे थे तो किसी गाय या बैल ने मार दिया, जो जामा मस्जिद थाना है जिस तरह से आप लोग आए, इसी थाने के पास किसी गाय या बैल ने मार दिया था, प्रभुपाद जी बेहोश हो गए थे, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, और फिर किसी जान पहचान के व्यक्ति ने उनको लाया प्रभुपाद जी के यहाँ पर। इस तरह से बार बैक टू गॉडेज मैगजीन बांटना, एक बार बांट रहे थे कनॉट प्लेस में, तो इतना चिलचिलाती धूप थी कि प्रभुपाद जी को सनस्ट्रोक हो गया, लू लग गई, वहाँ पर गिर गए। गिरने के बाद ये नहीं सोचे कि अब आके रूम में आराम करते हैं, फिर खड़े होकर उन्होंने बूडिसन शुरू कर दिया। इतना ज़्यादा प्रचार करने की प्रभुपाद जी के अंदर प्रबल इच्छा थी। एक बार तो प्रभुपाद जी जब आ रहे थे बैक टू गॉडेज मैगजीन बांटते हुए, तो एक बिल्कुल नॉर्मल गार्ड टाइप का व्यक्ति था, उसने प्रभुपाद जी को बोल दिया कि स्वामी जी क्या आप छोटी छोटी मैगजीन, पतली पतली मैगजीन छापते हो, कोई भी पढ़ेगा न्यूज़पेपर की तरह फेंक देगा, रद्दी की तरह, अब बड़ी किताबें लिखो। प्रभुपाद जी ने बोला कि ये नहीं बोल रहा है व्यक्ति, हम लोग होते थे बुरा मान जाते, वो प्रभुपाद जी बुरा नहीं माने, बोले कि ये व्यक्ति नहीं बोल रहा है, इसके माध्यम से मेरे गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर ये बोल रहे हैं। उस समय से प्रभुपाद जी ने बोले कि अब मैं बड़ी किताबें लिखूंगा, तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम का 1st कैंटो का 3 वॉल्यूम यहीं पर प्रभुपाद जी ने छापा, लिखा करते थे, छापा करते थे, अभी वो किताब है। और ओके प्रेस, राधा प्रेस का हमारे पास लीवर भी है, जिसे प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं वो भी है। तो प्रभुपाद जी सो एक्सपर्ट, प्रभुपाद जी खुद अपने हाथों से प्रिंटिंग भी करते, वो गोलोक वृंदावन का जो आप देख रहे हैं पिक्चर जो नीचे लिखा भी हुआ है, वो प्रभुपाद जी खुद अपने हाथों से बनाया है, खुद हैंड राइटिंग की प्रिंटिंग की। बहुत सुंदर पेंटिंग है, गोलोक वृंदावन पुराने जो भागवतम सेट है उस पर उसी का चिन्ह बनाया गया है। तो एक मंदिर को कैसे रन करना चाहिए, प्रभुपाद जी इस लेटर में आप लोग देखेंगे उन्होंने पूरा प्रारूप तैयार किया है, बड़े उसमें हैंडराइटिंग, प्रभुपाद जी का हस्ताक्षर भी है। प्रभुपाद जी इस तरह से हस्ताक्षर किए, वो एक व्यक्ति था जो प्रभुपाद जी का हस्ताक्षर देखकर समझ गया कि ये हस्ताक्षर इस भौतिक संसार का व्यक्ति इस तरह से उसका हस्ताक्षर नहीं हो सकता, सिग्नेचर नहीं हो सकता, उसको देखकर भक्त बन गया ना जी। तो इस तरह से प्रभुपाद जी कोई कॉपी कर ही नहीं सकता, ना आवाज की, ना एक्टिंग की, ना कुछ किसी की एक्टिंग नहीं कर सकते प्रभुपाद जी की। तो पुराना जो मंदिर है बिल्कुल खंडहर था उस समय, वो पीछे जो पिक्चर रखा हुआ है प्रभुपाद जी के पीछे, वो उस तरह से बिल्कुल खंडहर जाली था यहाँ पर आगे,
और बिल्कुल खंडर था। आज से 7-8 साल पहले इस जगह पर सांप नेवले है ना, चूहे वगैरह आते थे। चूहे तो अभी भी आते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी बताते थे कि 50 साल पहले चांदनी चौक में इस एरिया में गधे और ऊंट और हाथी से क्या हुआ करता था, सामान ढोया जाता था, उसका स्थान अब मनुष्य ने ले लिया है। अवधोटे गधे से भी ज्यादा सामान ढोते हैं। तो ये चांदनी चौक इसी नाम पड़ा क्योंकि ये चांदनी चौक एरिया में जमुना जी के पानी, लाल किला में, फिर इधर भी जाता होता, जब चांदनी रात के समय चांदनी की किरणें पड़ती थी जमुना जी के जल पर, तो इसलिए जगह का नाम पड़ गया चांदनी चौक। तो ये जो इंद्रप्रस्थ है, जैसे आप लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने पांडव के लिए 5 गांव मांगे थे, पांडव किला है और इधर भीष्म टीला भी है ना। उस जगह पर मैं गया था, वहां पर कुंती महारानी का एक छोटा विग्रह भी है। तो जो 5 गांव मांगे थे, उस 5 गांव कौन कौन सा था, इंद्रप्रस्थ जहाँ पर हम लोग हैं, पानीपत, सोनीपत, तिलपत, व्याघ्रपत, पहले गांव कितने बड़े बड़े हुआ करते थे, 5 गांव मांगे थे तो कुछ नहीं दिया दुर्योधन। तो अभी भी जो बताते हैं कि अर्जुन के जो वंश के जो लोग हुए, अभिमन्यु हुए, अभिमन्यु के बाद कौन हुए, परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज जन्मेंजय, जन्मेंजय के बाद भी कई पीढ़ी आई, उसके बाद धीरे धीरे पीढ़ी बदल कर वो तोमर वंश कहलाने लगे, अर्जुनायन वंश, तोमर वंश के, तोमर वंश के काफी भी अभी भी लोग हैं इस मंदिर में सेवा करने के लिए आते हैं, बोलते हैं हम अर्जुन के वंश के हैं, पांडव के वंश के हैं। इस तरह से प्रभुपाद जी यहाँ पर काफी प्रारूप बताते हैं कि ये चांदनी चौक का वर्णन किया जा रहा है। अगर भगवान कृष्ण और प्रभुपाद जी को अगर सेंटर में रख कर न किया जाए तो एक तरह से भौतिक चीजें लगेगा, लेकिन एक शुद्ध भक्त और राधा वल्लभ जी को सेंटर में रख के चीज का वर्णन किया जा रहा है तो वो चीज आध्यात्मिक है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, सत्सुर महाराज लिखते हैं प्रभुपाद लीलामृत में और एक दूसरी पुस्तक में, यहाँ की छतें एक दूसरे से इतनी अटैच है, मतलब कि चिपकी हुई है कि व्यक्ति पैदल जाने से अच्छा छत से जम करके काफी दूर जा सकता है, बिल्कुल एक दूसरे से चिपकी हुई है। तो इसका एक ही फ्लोर था, इसके ऊपर कोई फ्लोर नहीं था, बस इतना ही था। तो आज भी कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आते हैं और भले राधा वल्लभ जी को प्रणाम करे या ना करे, वो प्रभुपाद जी को आगे सर झुका के चले जाते हैं, इतना स्पिरिचुअली इन्फ्लुएंस है प्रभुपाद जी का यहाँ पर। तो अभी कुछ वृद्ध लोग आते हैं, बोलते हैं कि यहाँ के लोगों का जनरली शौक है, 2 शौक है, पतंग उड़ाना, कबूतरबाजी करना, कबूतर पालना, अलग अलग घर बना के कबूतर उड़ाते हैं, फिर बुला के कबूतर को बंद कर देते हैं घर में। तो ये यहाँ के शौक है लोगों का। तो वो लोग बोलते हैं अभी भी लोग कि प्रभुपाद जी जब यहाँ पर थे तो लोग पतंग उड़ाने के लिए जाया करते थे, तो प्रभुपाद जी भी पतंग उड़ाने के लिए जाया करते थे उन लोगों के पास छत पर। इस तरह से प्रभुपाद जी बिल्कुल फैमिलियर रहते थे उनके साथ, छोटे छोटे बच्चे थे, प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखा करते थे तो कार्बन लेकर भाग जाते थे, और प्रभुपाद जी को बंगाली बाबा बोलते थे, कलकत्ता से थे प्रभुपाद जी। तो अभी भी आप लोग देख रहे हैं हारमोनियम बॉक्स, प्रभुपाद जी से एक्सपर्ट, हारमोनियम भी बजाना और मृदंग बजाना हर चीज जानते थे प्रभुपाद जी। तो इस तरह से प्रभुपाद जी के पास कुछ किताबें तैयार हो गई। तो प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि मेरे पास कुछ पैसा लक्ष्मी हो जाता है, मेरे पास कुछ इकट्ठा तो मैं तैयारी करता। शुरू में जापान जाने की तैयारी कर रहे थे, वो रद्द हो गया, 3500 रुपया प्रभुपाद जी नहीं जुटा पा रहे थे उस समय, है ना, कि मैं जापान जाऊं, है ना। 3500 तो आज में कोई भी फ्लाइट नया ब्रह्मचारी भी चले जाते हैं, लेकिन उससे प्रभुपाद जी नहीं जुटा पाए। उनके पास प्रभुपाद बस मात्र 40 रुपया किसी तरह से हो गया था मधुकरी करके। तो शुरू में उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को भी उन्होंने किताबें भेंट की थी, प्रथम स्कंद का जो 3 वॉल्यूम वगैरह भेंट की। तो सुमती मुरारी जी का टिकट मिल गया था यहाँ से, तो उन्होंने बोले कि अब मेरे को तैयारी करनी है यहाँ से जाने के लिए। तो यहीं से प्रभुपाद जी कलकत्ता गए, कलकत्ता से कुछ नहीं होते अमेरिका के लिए प्रस्थान किए। तो उस समय प्रभुपाद जी के पास मात्र 40 रुपये थे, एक सेट थे, ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे, एक छाता, एक अटैची। तो जब प्रभुपाद जी जानते हैं, हम लोग जैसे कि जानते हैं, 3-2 बार हार्ट अटैक आया, तीसरी बार में कोई बच नहीं पाता, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी कृष्ण कृपा से बचे और प्रचार करके आए।
तो 24 जुलाई, है ना, 24 जुलाई 1967 में प्रभुपाद जी यहाँ पर आए थे। तो प्रभुपाद जी को काफी लेट हो गया था, प्रभुपाद जी सुबह आने वाले थे, लेट लौटे होते शाम हो गया, शाम को फिर 2 बजे रात हो गया। तो पालम हवाई अड्डा से प्रभुपाद जी, वहाँ से एक इन्वेस्टर कार था जिसको एक सरदार चला रहे थे, उस कार को हायर करके आ रहे थे। तो उनके साथ कीर्तनन प्रभु जी थे, कीर्तनन महाराज जी बाद में, तो वहीं आ रहे थे। तो प्रभुपाद जी पीछे के सीट पर बैठे थे और कीर्तनन महाराज और जो ड्राइवर है सरदार वो आगे बैठे थे। तो जब पास में आए तो प्रभुपाद जी से पूछे कीर्तनन महाराज कि भक्ति विदान स्वामी, हम इनको करेंसी कुछ दे दे, कौन सी करेंसी दे, भारतीय दे दे 40 रुपया जो हमारे पास है वो दे दे, या कुछ डॉलर वॉलर है इस तरह से वो दे दे। तो सरदार ने सुन लिया कि इनके पास 40 रुपया है भारतीय मुद्रा। उतारते वक्त उस समय 1:30 बज गया था, कोई नहीं था उस समय। कृपा जी पूछे कितना किराया हुआ तुम्हारा, कुछ 38 रुपया समथिंग हो रहा था। मैंने कृपा जी एक एक पैसे का हिसाब रखा करते थे। वो किताब है जिसमें जलदूत डायरी इसमें दिया गया है, उसमें 10 पैसे 20 पैसे 1 रुपया 8 आने का भी हिसाब रखे हैं कृपा जी। उसमें पर डे का एक्सपेंशन सारे मेंटेन किए हैं। तो वो बोला कि 40 रुपया, प्रभुपाद जी बोले कि नहीं 38 रुपया हुआ है ना, मेरे को वापस करो। तो वो भी जीत पर अड़ गया सरदार। आप लोग जानते हैं गाड़ी के ड्राइवर किस टाइप के होते हैं। उस समय पुलिस वगैरह कुछ नहीं था, इतना बड़ा थाना भी नहीं था। प्रभुपाद जी बोले कि क्या इसे बहस करना, प्रभुपाद जी को देना पड़ा 40 रुपया। और फिर प्रभुपाद जी यहाँ पर 2 बजे रात में आए थे। तो वहीं छोटा बालक था जिसका नाम था श्रीकांत द्विवेदी। प्रभुपाद जी को थोड़ा बहुत पानी उनी दे दिया करता था, थोड़ा हेल्प कर देता था, कार्बन कॉपी ला देता था इधर उधर से और डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो वो जाके दरवाजा खेला था 25 जुलाई को। तो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं साल में एक बार यहाँ पर। इस तरह से प्रभुपाद जी आए, बिल्कुल खंडहर था यहाँ पर, बहुत सारे पेपर से डॉक्यूमेंट्स है, ये सब कृष्ण पंडित शर्मा के घर से हमें प्राप्त हुए, जो उनके पुत्र हैं गोविंद शर्मा उनके घर से हमें प्राप्त हुए। 50 साल तक कोई भी किसी की कोई डॉक्यूमेंट संभाल के नहीं रखेगा, उसके लिए तो जीरो वैल्यू है, लेकिन हम लोग के लिए कितनी वैल्यू है। वो संभाल कर रखा तो हमें प्राप्त हुआ उसके घर से। तो इस तरह से प्रभुपाद जी खुद मेहनत करते थे, कुछ नहीं करना, और यहाँ पर आसपास के लोग कुछ हेल्प नहीं करते थे। ये पास में शर्मा फैमिली है ब्राह्मण की, जो बहुए हुआ करती थी। प्रभुपाद जी आते थे 11:30 बजे रात में और बोला करते थे खाना वाना बना नहीं पाएंगे, बोलते थे कि बहू कुछ खाने के लिए है, तो लोग कुछ खाने के लिए दे दिया करते थे प्रभुपाद जी को। ये हमारे इस्कॉन के संस्थापक चार्य की स्थिति थी यहाँ पर। और वो जाते थे चावड़ी बाजार, इधर पास में ही है, नई सड़क जाते थे, वहां से पेपर लेना होता था भागवतम छपाई के लिए। तो किराए के लिए फेयर के लिए काफी सारा पैसा लगेंगे, बोले कि कौन किराया दे। तो अपने सर पर इतना मोटा मोटा कागज, आप लोग देखें कितना भारी हुआ करता था 70 साल की उम्र में, 69 साल की उम्र प्रभा जी अपने सर पर लेके ओके प्रेस जाते थे 1.5 किलोमीटर दूर। और जब जाते थे तो सोचते थे कि ये जो कागज है, जिस तरह से वसुदेव जी भगवान कृष्ण को टोकरी में लेके जा रहे हैं मथुरा से गोकुल में, उसी तरह से इस ग्रंथ इस पेपर में भागवतम प्रिंट होगा, यानी कृष्ण अवतार। भागवतम क्या है, भगवान कृष्ण का ही अवतार है, साहित्य अवतार। बोले कि एक तरह से मैं भगवान कृष्ण को ढो रहा हूँ, इस तरह से सोचते हुए ओके प्रेस लेके जाऊंगा। तो काफी संघर्ष रहा प्रभुपाद जी का यहाँ पर, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने यहाँ पर रहकर काफी तपस्या की। और ये पास में एक कचौड़ी की दुकान है, श्याम स्वीट नाम है। तो प्रभुपाद जी क्या करते थे कि जब जाते थे इधर से, तो प्रभुपाद जी को कचौड़ी बहुत पसंद थी। एक बार रूपानु प्रभु जी प्रभुपाद जी की मसाज कर रहे थे वृंदावन में। तो प्रभुपाद जी अपना बता रहे थे कि मेरा मन कर रहा है कि मैं भगवान कृष्ण के साथ खेलने के लिए जाऊं, मतलब गोचारण के लिए जाऊं, और आज मेरे को भगवान कृष्ण के साथ कचौड़ी खाने का मन कर रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि प्रभुपाद जी को भगवान कृष्ण ने गोलोक वृंदावन से, भगवान कृष्ण ने किनको भेजा, अपने इनर सर्कल से, है ना, प्रभुपाद जी को भेजा। प्रभुपाद जी क्या स्थान होगा गोलोक वृंदावन में, वो आके कृष्ण दूत विष्णु दूत नरक जैसे छिपीवाड़ा जगह पर रहे। तो
यहाँ पर बता रहे थे कि प्रभुपाद जी कचौड़े खाने का मन कर रहा था। तो इस तरह से प्रभुपाद जी के बचपन भी जानते थे, प्रभुपाद जी का एक नाम था कचौड़ी मुखी। उनकी दादिया नानी बोलते थे कि कचौड़ी उनको पसंद है, चार पॉकेट प्रभुपाद जी के चौड़े में भर लेते थे कचौड़ी। तो इस तरह से यहाँ भी शाम स्वीट है, वो लोग प्रभुपाद जी वहाँ से कचौड़ी लेके भोग लगा के पाया करते थे, बांटा करते थे। और पास में एक जलेबी की दुकान है, प्योर शुद्ध घी में जलेबी बनाता है हरिष्णा, उनको बोलो माइक ना यूज करें। तो प्रभुपाद जी क्या करते थे, वो जलेबी वाला दुकान अभी भी है ना, उसके दादाजी का प्रभुपाद जी के साथ फोटो भी एल्बम में रखा हुआ है। तो प्रभुपाद जी वहाँ से जलेबी लेके भोग लगा के और पाया करते थे। वहाँ की जलेबी आप लोगों के लिए आई है, जलेबी प्रसाद। तो आप लोग वो जलेबी मैंने गुरु महाराज को भी खिलाई है। हाँ, घी के प्योर पर। हाँ, अभी वो फेमस छोटी दुकान है, बहुत फेमस है। तो प्रभुपाद जी जब आए थे यहाँ पर शुरू में, तो काफी घूमे, थोड़ी तबीयत खराब हुई तो कुछ देर रुकना पड़ा कुछ दिन प्रभुपाद जी को। सेकेंड टाइम जब प्रभुपाद जी आए तो अपने 40 शिष्यों के साथ आए थे। और फिर गौरी शंकर मंदिर है, यहाँ पर जाकर प्रभुपाद जी बोले कि काफ़ी लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे विदेशी शिष्यों को देखने के लिए। तो प्रभुपाद जी बोले कि मैं अपने शिष्यों के लिए अंग्रेजी में लेक्चर दूंगा, क्योंकि मेरे शिष्य हिंदी नहीं जानते, मैं आप लोगों के लिए नहीं, मैं अपने शिष्यों के लिए अंग्रेजी में लेक्चर दिए थे। तो वहाँ पर 40 शिष्यों को लेक्चर दिया इंग्लिश में, एक सप्ताह तक रुके प्रभुपाद जी, फिर वृंदावन गए थे कुछ दिनों के लिए। इस तरह से हम लोग यहाँ पर हैं, ये प्रभुपाद जी की संघर्षस्थली तपोस्थली है, बहुत सारे मैगजीन है उधर, प्रभुपाद जी के लेटर्स भी रखे हुए हैं। और प्रभुपाद जी के टाइपराइटर का क्या नाम है, कोरोना, क्या नाम है, हाँ, कोरोना फैलने से पहले ही प्रभुपाद जी के टाइपराइटर का नाम कोरोना था। ये अमेरिकन कंपनी है जो प्रभुपाद जी ने इस कोरोना टाइपराइटर से टाइप करके ये जो स्पिरिचुअल कोरोना फैलाए पूरे विश्व में। जो प्रभुपाद जी की भगवद्गीता उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में भी पोल पर पहुंच चुकी है, स्पेस में भी पहुंच चुकी है। तो आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, प्रभुपाद के कृपा से आप सब लोग आए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें प्रभुपाद जी से प्रचार करने का, सेवा करने का, सेवा साधना जप करने की भिक्षा मांगनी चाहिए, याचना करनी चाहिए कि प्रभुपाद जी हमारे पर कृपा कीजिए कि हम भी क्या करें, हम भी मुसीबतों से घबराए ना और पूरी तरह से बोल्ड होकर प्रीचिंग करें, सेवा करें, प्रचार करें। तो यहीं पर मैं विराम दूंगा। जो भी प्रश्न हो प्रवीण आप लोग पूछ सकते हैं। प्रभु जी का धन्यवाद देंगे, सबसे बड़ा धन्यवाद इसलिए कि प्रभु जी यहीं रहकर सेवा करते हैं, मतलब इतना सौभाग्यशाली है प्रभु जी यहाँ पर प्रभुपाद जी के साथ में रहते हैं, है ना। देखिए प्रभुपाद जी जहाँ जहाँ रहे हैं वो प्रभुपाद जी का नित्य भजन कुटीर है, देखा जाए भजन कुटीर है, भजन कुटीर में कोई रह रहा हुआ तो भी महान व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता, प्रभुपाद जी के साथ रहने वाला है ना, तो बड़ा सौभाग्य है। हम लोग अभी थोड़ा सा टूर करेंगे, आप लोग सामान को छूना नहीं, दूर से देखना, जो छूने वाला सामान हो बता दूँ क्या छूना है, ठीक है। तो ये दर्शन यहाँ कर लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, ये है प्रभुपाद जी का कमेंट है, विजिटर बुक में लिखते हैं ना प्रभुपाद जी, हाँ प्रभुपाद जी की हैंड राइटिंग है स्पेशल। और ये भी है, लेटर लिखा था उन्होंने 78 में, एक लेटर है कृष्ण पंडित को लिखा था, ठीक है। ये देख लीजिए, छूना नहीं किसी को प्रभुपाद जी, जो उसमें इनलैंड लेटर आता था पुराने जमाने, याद है अंतर्देशीय, वो लिखे थे उसमें भेजा था यहाँ पर, ठीक है। फिर बाद में बंद कर देना लास्ट में, ये तो अभी रिसेंटली छपा है, अभी लेटर है अलग अलग डेट्स का, अलग टाइम का। ये हारमोनियम नया है, पुराना नहीं है। और ये है, ये वही चिटका नहीं है प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी कितने बार छुए होंगे सर, रहे हो अब आगे साली में छूने मिल रहा। और ये भी है, ये तो सर सर टच हो जाएगा रूपाजी ने इसको छुआ, हाँ
अभी आएंगे, यही हो गया बाहर बैठे। और देख रहे नीचे राधा वल्लभ जी हैं, उनके गुंबज है, जानबूझ के पुराने जमाने बनाते थे ताकि भगवान जी पर कोई बैठे नहीं। अगर ये प्लेन रहेगा तो यहाँ बैठ सकता है ना कोई, पुराने जमाने में घर ऐसे बनता था, अगर मंदिर ऊपर एक फ्लोर बनाना पड़ा तो गुंबज को पूरा बना देते, इसके ऊपर कमरा रहता ना तो इसको और ऊपर कर देते। ऊपर भी है इसके ऊपर बना देता कि बैठे नहीं कोई, पर्पस था। और ये हारमोनियम, ये बॉक्स है, ये हारमोनियम उसके अंदर आता था, फिर ट्रैवल के लिए कहीं ले जाना तो ले जाते थे। ठीक है, दूर से छू सकते हैं, छू लीजिए, सिर पर लगा लीजिए। ठीक है, अब हम जलेबी खाने जा रहे हैं, ऐतिहासिक जलेबी, बहुत अच्छा होना है, यहाँ से लेने से अच्छा लगता है। अरे ये बांटने में हेल्प कर, आ जाइए जल्दी, ऐसे ऐसे हाथ दे दो, हाथ दे दो, बैठने दोनों तो बांटेंगे, बांट देंगे नहीं तो फिर फेंक देंगे, पकड़ा हो या बैठो बेटा, बुलाओ सबको, बुलाओ बुलाओ, ये मैं इतना नहीं करता, मैं डायबिटिक आदमी हूँ, जलेबी खा के मर गया पता चला, अरे इतना मत दो, थोड़ा और दो, थोड़ा बोला तो थोड़ा दे दिया, जलेबी पहले आधा दे दो फिर दोबारा देना तो लगेगा दो बार मिला है। स्विच का है लाइट, स्टॉप क्लास, फोटोग्राफ पेपर में, हाँ पेपर रखा, पेन सीडी मिली मेरे को, मैं कहीं पे चल गया, नहीं ये है यहाँ पर बुक्स देख सकते हैं, आ जाइए, लाइट चल रही है, सर्वप्रिया दास, हाँ नहीं नहीं इसका कलर, सलाम अल्लाह कर दे, पूजा का नाम और रसराजपुर का नाम हम डिटेल दे दीजिए, तो फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भर तो प्रोसेस में अध्यक्षा का प्रोसेस में छात्रों का
रूपा जी क्या है, अच्छा नहीं चलते, मना किया था रूपा जी, आने वाली पीढ़ी भी ऐसी बोले हम मजे नहीं है, रूपा जी सिस्टम हटा दो क्या क्या पुस्तकें और रूपा जी। तो ये प्रभुपाद जी का फोटो है, प्रभुपाद जी जब पहली बार मिलने गए थे उस समय का फोटो है, अपने मित्र के साथ नरेंद्र के साथ प्रभुपाद जी बैठे हुए हैं दाढ़ी मूछे वाले, बाद में प्रभुपाद जी ने दाढ़ी मूछे कटवा दिया था, बाल भी कटवा लिया था, बाल भी कटवा पूरे शिखा रखे थे, फिर बाद में ना घर छोड़ कर संन्यास भी लिया था। ये प्रभुपाद जी की दीक्षा का है, उसके बाद का वो 22 या 33 1922 ये राधा कुंड का है, प्रभुपाद जी राधा कुंड में जब प्रभुपाद जी वहाँ पर परिक्रमा करने गए थे ब्रजमंडल का, तमिल उनके बेटा उनके साथ था वृंदावन। ये ओके प्रेस का है सीन है, जब प्रभुपाद जी जाते थे उनसे प्रिंटिंग कराने वाला। अच्छा, अब देख रहे हैं यहाँ पर कई कई लैंग्वेजेस का बुक रखा हुआ, अलग अलग लैंग्वेज देख रहे हैं। और ये बुक छप जाती थी जब प्रभुपाद जी वितरण के लिए बैक टू गोल्डन मैगजीन 4 पेज का होता था, कॉफी हाउस में प्रभुपाद जी वितरण करने जाते थे, हाँ प्लेस में। तो कई लोग स्मोक करके बैठे, को शराब पी रहे हैं, कई लोग चाय पी रहे हैं और प्रभुपाद जी स्मोक कर रहे हैं, बहुत अच्छा फोटो है। कॉफी हाउस गनाट प्लेस का कॉफी हाउस, ये चाइनीज लैंग्वेज है, चाइनीज में किताब है, कभी सुखदेव गोस्वामी ने वेद व्यास जी ने सोचा नहीं होगा कि चाइनीज में लोग पढ़े। ये देखिए प्रभुपाद जी इस कमरे में जो लिखते थे ना वो है, ऊपर से भक्ति सिद्धांत सब ठाकुर गौर देता है देख रहे हैं, और ये टाइप राइटर टाइप कर रहे हैं प्रभुपाद जी, कोरोना कोरोना कंपनी का नाम है ना, भक्ति सिद्धांत ठाकुर और प्रभुपाद जी का टाइपराइटर का नाम कोरोना था, है टाइपराइटर था, था टाइपराइटर चोरी हुआ, बस वो खाली डिलीवर मिला और वो 3 बुक्स। और ये लिफ्ट है जो बाद में लगा है, पहले नहीं था, ऊपर ब्रह्मचारी आश्रम में अलाउड नहीं है जाना, ये प्रसादम हॉल भी है और अंदर ब्रह्मचारी आश्रम भी है यहाँ पर, और ये ऑफिस है टेम्पल प्रसिद्ध ऑफिस है, बाकी तो है ही जो भी, और नीचे विग्रह बने हुए हैं ना देवी देवताओं के, देवी देवता एविडेंस है उनको भगवान जी का प्रभुपाद जी का, इसलिए उनको भी हटाते नहीं है, कहीं बोल सकते ना मंदिर पे क्यों है इसको, उनके मंदिरों में वो पहले से ही विराजमान थे ना वो, और एविडेंस है राधा वल्लभ जी का प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी यहाँ थे, और जो व्यक्ति अगर मान लीजिए एविडेंस रहता है ये हैं वो देख रहे हैं साक्षी हैं तो उनको कैसे हटा सकते, इसलिए हटा, ठीक है चले और वो घर ले जाएंगे बोलो, ठीक है एक फोटो खींच लेते हैं तो चलते हैं। हाँ तो इस मंदिर में कुछ ना कुछ डोनेशन देना चाहिए, हम आए हैं तो जो भी आपके पास 1-2 करोड़ रुपए है सोना चांदी मुट्ठी मुट्ठी सब दे सकते हो, कुछ भी जो भी आपकी इच्छा है, तो एक डिवोटी कोई भी इकट्ठा कर ले आप कर ले ठीक कर ले, इनको दे दो इकट्ठा करके फिर आप उनको दे देंगे, लाओ जी फटाफट खाली करो।